दोस्तों बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान जिनकी फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देती हैं, लेकिन दोस्तों उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर आते ही बुरी तरह पिट गई थी। तो दोस्तों अगर आप भी बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले उनकी टॉप 5 फ्लॉप फिल्मों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर है उनकी फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसको कि लगभग 4.5 करोड़ के बजट में बनाया गया था और दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 12 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है उनकी फिल्म धोबी घाट, जिसको कि लगभग 13 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने मात्र 25 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है उनकी फिल्म मेला, जिसको कि लगभग 18 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने मात्र 21 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उनकी फिल्म मंगल पांडे, जिसको कि लगभग 37 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने मात्र 17 करोड़ की कमाई की थी। और दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि लगभग 300 करोड़ के बजट में बनाया गया था और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने मात्र 263 करोड़ की कमाई की थी, जो कि आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इनमें से कौन सी फिल्म सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, आपके राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।